तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए से वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो बजरंग इंसान में आप सभी लोगों का दिल से तहे दिल से स्वागत है। तो बने रहिए आज के एक नए से वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भगवान चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो समझें कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि 100 बार हनुमान चालीसा या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है, लेकिन अभी ज्येष्ठ माह का जो मंगल है, बड़ा मंगल जो बुढ़वा मंगल बोला जाता है, वो बहुत ही बड़ा मंगल है और बहुत ही खास मंगल है। आप इस दिन, मैंने बोला था कि हनुमान चालीसा का संकल्प भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो है इस दिन, इस मंगलवार को, जैसे कि एक दिन का भी कर सकते हो। अगर 7 डेज का नहीं कर पा रहा है कोई, तो कम से कम एक कल मंगल आने वाला है, 3 मंगल बाकी है। तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आप बस करना क्या है आपको, आज मंगलवार के दिन, ये जो भी बड़ा मंगल चल रहा है, मंगलवार के दिन 100 या 108 हनुमान चालीसा का पाठ करके अनुष्ठान कीजिए। घर में कीजिए। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन घर में ही कीजिए, क्योंकि 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने में कम से कम 2.5-3, किसी को 4 घंटा, किसी को 2.5 घंटा, किसी को 5 घंटा भी लग सकता है। तो अभी का मंगल में आप अगर कोई भी अनुष्ठान करते, तो मैंने बोला था कि 100 या 108 हनुमान चालीसा का पाठ, ये कोई ऐसा पाठ नहीं है, ये एक आप अनुष्ठान कर रहे हैं घर में, तो बहुत ही अच्छा दिन है। आप जो भी मनोकामना है, जो भी आपको आपकी मनोकामना पूर्ति करना है, आपकी मनोकामना बहुत दिनों से, अगर आप बहुत कष्ट में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, माइंड काम नहीं कर रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अभी का मंगल के कोई भी 3 मंगल बचा हुआ है, कोई भी मंगल में 108 या 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मैं बोलता हूँ बेस्ट रहेगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ घर में एक अनुष्ठान कर लीजिए, जो भी मनोकामना है, मनोकामना मन में बोल के। अगर मनोकामना के लिए नहीं, तो कम से कम प्रभु हनुमान जी का, मतलब भक्ति के लिए तो कर सकते हैं, या घर में सुख समृद्धि बना रहे, सब खुशहाल रहे, सब खुश रहे, मतलब घर परिवार सुखी रहे सब, मतलब घर परिवार में निगेटिविटी ना रहे, सारा सुख शांति बना रहे, घर के लिए भी कर सकते हैं। तो अभी का मंगल बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी मंगल बहुत ही बड़ा मंगल है। तो मैं तो करूँगा भाई, मैं तो ऑब्वियसली है कि मैं करूँगा ही करूँगा, और मुझे करना भी था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी मंगल को मैं 108 या 100 बार मंजलिस का पाठ जो मैंने बोला है, मैं जरूर से जरूर करूँगा। और आप लोग भी, इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग भी करिए, जो भी मनोकामना है, मनोकामना पूर्ति हो जाएगा। अगर मनोकामना के लिए नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम घर की सुख शांति के लिए कर सकते हैं। और एक, जैसे कि महीने में कम से कम एक बार तो घर में जरूर से जरूर अनुष्ठान करना चाहिए, मतलब पूजा पाठ अच्छा होना चाहिए। तो यही मौका है, यही बहाना है कि एक अनुष्ठान हो जाए घर में। तो आप लोग ये एक बड़ा अनुष्ठान कर सकते हैं, और आप ये वीडियो पूरा फुल देखिएगा। मैं शायद मेरे मन में आया, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं करूँ या ना करूँ, तो कब अनुष्ठान का डेट निकालना पड़ता है कि इस दिन मैं पूजा करूंगा, इस दिन ये करूंगा। लेकिन आप हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार कर ले, तो इस मंगल या अगला मंगल जो भी आपको मुमकिन हो, जैसे कल वाला मंगल है तो कल वाला कीजिए, नहीं तो अगला मंगल आने वाला, 3 मंगल और बचा हुआ है बड़ा मंगल में, तो बड़ा मंगल के दिन आप ये अनुष्ठान कर लीजिएगा ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा। और बहुत ही, आप बड़ा मंगल के बारे में अगर आपको नहीं अगर कुछ आइडिया है, तो आप खुद सर्च करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है बड़ा मंगल, बुढ़वा मंगल बहुत ही शुभ रहेगा। और जो जितना मंगल है, उस सारे मंगल से यही 4 मंगल हटके है, अलग हटके है। तो आप लोग इस मंगल के दिन अगर कोई भी काम, शुभ काम कर रहे हो, बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो करिए आप, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा, नहीं लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू। जय श्री राम, राधे राधे।